कलयुग किस किस स्थान पर निवास करता है? सनातन धर्म के वेद पुराणों में चार युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वर्तमान में हम लोग जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को छोड़कर बाकी तीनों युगों में भगवान ने अनेक अवतार लिए एवं लोक कल्याण के लिए पाप का नाश किया। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद जब कलयुग धरती लोक पर आया तब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहाँ कहाँ स्थान दिया? कलयुग किस किस स्थान पर निवास करता है? कलयुग का आगमन भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए तब राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए। इनके राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जब शिकार करने के लिए गए तब रास्ते में कलयुग से राजा परीक्षित का साक्षात्कार हुआ। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? महाभारत खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। ये जानकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित अपने राज्य को पुत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित शिकार हेतु वन में गए। वन में जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति डंडे से बैल को पीट रहा है और वही व्यक्ति गाय को अपने लात मार रहा है। उस बैल के 3 पैर नहीं थे और वह अपने 1 पैर पर खड़ा था। गाय बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। दृश्य को देखने के बाद राजा उसके पास गए और हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रखते हुए क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, अधर्मी तुम कौन है जो निरह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तुम्हारा कृत्य ऐसा है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भविष्य करने लगा। राजा ने कलयुग को छोड़कर बैल से पूछा, हे भगवान आपके 3 पैर कहाँ हैं? इस बातों का बैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखों से कह दिया। बैल की यह दशा देखकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लिया। ऐसा देख कलयुग डरता हुआ राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अब राजा सोच में पड़ गए और अपने विचार बदलते हुए अपनी शरण में आए। उस व्यक्ति को नहीं मारा इसलिए उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। राजा ने कलयुग को आदेश दिया। पांडव वंश होने के कारण राजा परीक्षित बड़े ही ज्ञानी थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने धर्म को बैल के रूप में और गाय को धरती माता के रूप में पहचान लिया। कलयुग को जीवन देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम पाप, झूठ, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरे शरण में आए तो मैंने तुम्हें जीवन दिया। अब तुम मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस मेरे राज्य की सीमा में मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और बोले, महाराज आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं आपके शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे भी रहने के लिए स्थान दे। कलयुग किस किस स्थान पर निवास करता है? राजा परीक्षित के कलयुग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने रहने के लिए 4 स्थान दिए, जुआ, शराब, अभिचार अर्थात पर स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन किया, हे राजन ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए प्राप्त नहीं है, कृपया मुझे आप 1 स्थान और रहने के लिए दे दें। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने के लिए इजाज़त दे दी। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा ये भूल गए कि उन्होंने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, उसमें भी स्वर्ण जड़ित है। राजा से 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, परंतु कुछ ही देर बाद वह सूक्ष्म रूप में वापस आ गया और राजा के मुकुट में लगे स्वर्ण में बैठ गया। राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकार के लिए जाते समय रास्ते में जब
राजा को तो वे पास ही के कुटिया में चले गए। वहां पर शमिक ऋषि नेत्र बंद किए हुए थे तथा शांत भाव से एकासन में बैठे हुए ब्रह्मलीन ध्यान में थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मगन होने के कारण शमिक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इस प्रभाव के कारण राजा को अपने मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने उनके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि शमिक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर पहले इंसान पर कलयुग का ये पहला प्रभाव था और उसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।